हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक गिरवर। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट मोटो ब्लॉग में। और आज हम कावासाकी पटना अगेन, तो आज हम करने जा रहे हैं कावासाकी वर्सेस 650 का रिव्यू, जो कि आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। ये लाइम ग्रीन कलर में है और ये एक एडवेंचर प्रॉपर टूरिंग बाइक है। ये इसका हाइट, इसका वेट, इसका सब चीज़, इसका टूरिंग पर्पज़ सही है। काफ़ी कम्फर्टेबल राइडिंग पोजिशन और काफ़ी ईजिली आप इसे ऑफ रोड भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे। ओवरऑल पहले आप पूरा बाइक देख लीजिए, काफ़ी ऊंचा है ये। कम हाइट वालों के तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट से ही। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट में विंडशील्ड आपको काफ़ी बिग साइज़ का आपको मिलता है, जो कि एयर इनटेक आपको हाईवे पे क्रूजिंग के लिए काफ़ी सही रहेगा। आपको अलग से हवा ज़्यादा नहीं लगेगा बॉडी पर, प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सही है ये। यहाँ पे आपको कावासाकी का शाइनिंग दिख जाएगा, देख सकते हैं आप। उसके ठीक नीचे आते हैं तो आपको डुअल एलईडी को लाइट सेटअप मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं आप। डिजाइनिंग भी काफ़ी सही है इसमें आपको मिल जाता है। अप साइड डाउन आपको सस्पेंशन मिल जाता है, देख सकते हैं आप। फ्रंट का ये आपको मिल जाता है इसमें, 41 mm का आपको मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। पर ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि नीचे से गंदगी ज़्यादा इसमें जाती है। बाकी सही है, थोड़ा प्रीमियम दिखने के लिए ये चीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, निसिन का डिस्क कैलिपर आपको मिल जाता है, डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं आप। 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है फ्रंट का, देख सकते हैं आप। आते हैं टायर साइज पे, तो टायर आपको मिलता है 100/20/70 R17 का आपको टायर मिल जाता है, रेडियल टायर, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप आपको प्रोवाइड करती है। मडगार्ड का फिनिश आपको फाइबर में मिलता है, ये देख सकते हैं आप। कलर कम्बिनेशन काफ़ी सही है इसमें, ग्रीन और ब्लैक का कम्बिनेशन। और कावासाकी के सभी मॉडल में ग्रीन आपको दिखेगा ही दिखेगा, इसका शाइनिंग होता है। चलिए आते हैं साइड में, साइड में देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको कावासाकी वर्सेस का बैजिंग आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मिल जाता है आपको। 21 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है इसमें, जो कि फ्यूल काफ़ी ज़्यादा इसमें आप डलवा सकते हैं लॉन्ग रेंज के लिए, काफ़ी सही होता है। जितना बड़ा टैंक उतना ज़्यादा इसमें फ्यूल, और उतना लॉन्ग टर्म राइड अप कर सकते हैं। बार बार फ्यूल भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजन इस पर आपको मिल जाता है 649 cc का आपको इंजन मिलता है, लिक्विड कूल फुल स्टॉक, पैरेलल ट्विन इंजन आपको मिल जाता है इसमें, देख सकते हैं आप। पैरेलल ट्विन आपको मिलता है इसमें। फ्यूल इंजेक्शन DOHC 8 valve इंजन आपको मिल जाता है इसमें। सिर्फ सेल्फ मिलता है इसमें, आपको किक नहीं मिलता, देख सकते हैं आप। यहाँ पे किक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता इसमें। बात कर लें इसके इंजन की पावर की, तो इसमें इंजन मिलता है 66 PS का पावर 8500 RPM पे, और 61 Nm टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है 7000 RPM पे, जो कि पावर भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको मिल जाता है। ओवरऑल बाइक के वेट का हम बात करें तो इसमें आपको वेट मिलता है 218 kg का इसका कर्व वेट है, तो काफ़ी हैवी भी है ये वेट में भी, देख सकते हैं आप। 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही आपको मिलता है इसमें, देख सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। सीट हाइट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊंचा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा तो सीट हाइट ऑब्वियसली बढ़ जाता है इसमें। तो सीट हाइट आपको मिलता है 840 mm का, जो कि शॉर्ट हाइट वालों के लिए तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पे सीट का कुशनिंग आपको काफ़ी सही मिल जाता है। ये स्टॉक बाइक है, शोरूम पे अभी कनेक्शन इसका कुछ नहीं हो रखा है, आप देख सकते हैं। जो चीज़ कंपनी से मिलता है सारी चीज़ इस पर अभी वैसा ही के वैसा ही है। सीट का कुशनिंग भी काफ़ी सही आपको मिल जाता है इसमें। ड्राइवर एंड पिलियन दोनों का कम्फर्टेबल काफ़ी अच्छा खासा है, ना ही सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा ये हार्ड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी सही होता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है पिलियन के लिए और सामान वगैरह कैरी करने के लिए, तो काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं एग्जॉस्ट पाइप यहाँ तक आता है इसका। निसिन का आपको अगेन रियर में भी डिस्क कैलिपर मिल जाता है 250 mm का, ABS का रिंग आपको मिल जाता है इसमें। टायर साइज की हम बात कर लेते हैं, इसमें आपको टायर मिलता है 100/60/60 R17, इसमें 160 mm का आपको
टायर मिल जाता है, रियर में रेडियल टायर। अंडर बॉडी की हम बात कर ले तो यहाँ से आपको देख सकते हैं फुल्ली कवर्ड इसका बॉडी आपको मिल जाता है अंदर से। और रियर सस्पेंशन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसका, नॉर्मली आप खुद के हिसाब से कर सकते हैं इसको, एकदम ईजी है एडजस्ट करना। फ्रंट एंड रियर दोनों सस्पेंशन इसका एडजस्टेबल है, तो दोनों चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। वहीं पर रियर में आते हैं तो आपको एलईडी टेल लैंप मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मल हाइलोजन इंडिकेटर आपको मिलता है, यहाँ पे नंबर प्लेट के पास भी आपको एक लाइट मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नीचे में आता है तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में, वहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ में आपको सारी गार्ड मिलता है इसमें, देख सकते हैं आप, जो कि लगेज कैरियर के हिसाब से भी काफ़ी सही है। इसमें अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं रहता। ओपन साइड आपको चैन सीट मिलता है आपको, जिसको लीव करना बहुत ज़रूरी होता है हर 500 किलोमीटर पे, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर स्लीपर क्लस्टर आपको मिल जाता है, 6 स्पीड गियर आपको मिलता है इसमें, देख सकते हैं आप। सिंगल साइड स्टैंड आपको मिलता है, डुअल साइड स्टैंड इसमें नहीं मिलता आपको। बात कर लें इसके फ्रेम की, तो इसमें फ्रेम इसका मिलता है डायमंड हाई स्टील, टेंसिल स्टील आपको यूज किया गया है, जो कि काफ़ी मजबूत माना जाता है। तो ये रहा इसका ओवरऑल सारा साइड का सारा फीचर मैं बता दिया। चलते हैं इसके हैंडल कंसोल पे, वहाँ पे देख लेते हैं। और एक बात, इसमें कनेक्शन नहीं किया हुआ है तो कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर अभी नहीं बता पाऊँगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन अभी नहीं किया हुआ है। आते हैं इसके मिरर पर, देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इसका फील आपको सेम ही मिलेगा, जो कि 650 G90 में मिल G900 में मिलता है, वही सेम आपको मिरर इसमें मिलता है। बाकी हैंडल कंसोल काफ़ी सही है इसका क्वालिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम फिनिश सब कोई, क्लच लीवर एडजस्टेबल आपको मिल जाता है यहाँ पे, पासिंग लाइट आपको मिलता है यहाँ पे, देख सकते हैं लो बीम हाई बीम का यहाँ पे बटन है। यहाँ पे कुछ मीटर कंसोल कंट्रोल करने के लिए आपको मिलता है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, इंडिकेटर आपको मिलता है। इधर साइड आते हैं तो इंजन कट ऑफ बटन और सेल्फ का बटन मिलता है आपको, बस और कुछ नहीं मिलता आपको। यहाँ पे आपको की होल्डर इसका यहाँ पे मिलता है, जो कि काफ़ी ऊंचा ये बाइक भी है, काफ़ी मस्कुलर लुक ये फील देता है। यहाँ पे मीटर देख सकते हैं आप, डिजिटल एंड एनालॉग आपको दोनों मिलता है, ऊपर में एनालॉग और नीचे में डिजिटल। इसमें टाइम वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जो कावासाकी का एक ऐप आता है राइड एंड करके कुछ ऐप आता है, वो भी कनेक्टिंग फीचर आपको मिल जाता है इसमें, जो कि काफ़ी सही है। साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिला तो बस आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सिंगल हॉर्न आपको मिलता है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेडी वाटर ग्रिल काफ़ी ब्रॉड में है। तो ये रहा इसका ओवरऑल रिव्यू। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके प्राइस पे, इसका प्राइस अभी पटना बिहार में कितना पड़ रहा वो मैं बता दे रहा हूँ, और शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्राइस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी कितना इसका प्राइस पड़ रहा। यहाँ पर बात कर लें इसके एक शोरूम प्राइस का, तो यहाँ पे पटना बिहार में इसका पड़ रहा 7,15,000 एक शोरूम। बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।